सवाल दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2। अब जो बहुत खतरों के खिलाड़ी हैं वो दो को लाएंगे इस तरफ और फिर 2 tan इनवर्स का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये वाकई बहुत टफ क्वेश्चन है अगर आप ध्यान नहीं दें। सबसे पहले आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल सी बात हम करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1। सही हूँ मैं? तो मुस्कान अगर आप ये स्टेप कर लिए तो ये सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, वरना बहुत टफ फंस जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, इतना सा केवल, देखो कितना सा काम है, एक्स की जगह लिख लिया 1 इंटू एक्स। ऐसा क्यों किया अपन ने, बताइए क्यों किया ऐसा? फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये बना tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया? नहीं आया? अब ये सवाल बिल्कुल सरल हो गया है, माइनस tan इनवर्स x इस तरफ ले आइए, सही है? यहाँ क्या है सीजल, tan इनवर्स 1 बाई टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x कितने हो गए 3/2। पॉसिबल है किसी को समझ ना आया हो, कर दे रहे tan इनवर्स x क्या ले लो कॉमन, खुश 1/2 + 1। ओके चलो, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है सीजल, पाई बाई फोर 3/2 tan इनवर्स x, समझे? 2 ऊपर आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2π 4 × 3 बराबर tan इनवर्स x, 2 × 1 = 2 × 2 = 2, तो tan इनवर्स x बराबर हो गया π/6, x बराबर tan π/6, tan 30 का मान होता है 1/3। समझ आया बच्चों को? नहीं आया, सबने ऐसे किया है बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए, मुस्कान बेटा ध्यान दीजिए, tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस x अपॉन a बराबर हमें दिया है π/6, और सिद्ध करना है x² = 2√3a², तो इसको अपन सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अपन ये सभी का लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आता है कि नहीं आता है, tan इनवर्स प्लस a माइनस x अपॉन a अपॉन 1 माइनस a प्लस x अपॉन a इंटू a माइनस x अपॉन a। समझ आया क्या? दोनों पक्षों का tan लेने पर, लिखें बच्चों, बार बार नहीं लिख सकते, स्वयं समझ जाए, गुण से tan tan इनवर्स अलग हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा tan π/6। समझ आया? अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, लघुत्तम लेंगे, a का a में, a का x में, a का a में, अरे ये क्या कर रहे हैं, लघुत्तम नॉर्मल आ जाएगा, a आ जाएगा ना, काय को त्रिक बड़ा, a प्लस x प्लस a माइनस। समझ आया बच्चों? यहाँ देख लेंगे, a प्लस x इंटू a माइनस x, a स्क्वायर माइनस, समझ आया, प्लस के एक्स माइनस के एक्स कैंसल, ए और ए अपॉन ए, ए से यहाँ लघुत्तम ले लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स, शायद आप माइनस का गुणा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के और बटे में ए स्क्वायर बराबर टेन पाई बाई सिक्स, 10√3 का मान होता है बच्चों 1/3, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, कोई दिक्कत, 2a² अपॉन x² बराबर 1/3, त्रिक गुणा x² बराबर 2√3। ऐसा लगा जैसे सवाल सिद्ध करने के लिए ही आया था, देखो कितना ईजी है, समझ आया?
टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के फॉर्मूले समीकरण कर रहे हैं, उनका आखिरी सवाल है ये। हाँ भैया, टेन इनवर्स एक्स वाई थ्री को इस तरफ ले गए तो ये हो गए टेन इनवर्स एक्स वाई थ्री का आएगी प्लस के। अब बच्चों टेन इनवर्स वन बाई थ्री पहले टेन इनवर्स थ्री तो फॉर्मूला लगा दें फिर अपन काय को परेशान हो रहे हैं। टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर अपॉन वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई। अब दोनों पक्षों का तो टेन इनवर्स क्या हो जाएंगे अलग एक्स वाई थ्री। अब देखना ज़रा चार एकम तीन त्रिका चार त्री बार। अब मुझे पता है कि यहाँ तीन से तीन क्या हो जाएंगे पर मैं कैंसल तीन एकम तीन चार त्री बारह समझे नौ चार तेरह बटे बारह बारह एकम बारह में से तीन गए नौ बटे बारह बराबर एक्स बटे तीन बारह से बारह बच्चों तेरह बटे बारह सॉरी तेरह बटे नौ बराबर एक्स बटे तीन। समझ में आया क्या? अंश का तीन गुणा में आ जाएगा तेरह गुणत गए तीन बटे नौ बराबर एक्स तीन एकम तीन तीन त्रिका नौ एक्स बराबर तेरह बटे बोलना पड़ेगा तेरह बटे तीन। चलिए शुरू देखो यहाँ पे गौर करो काजल बेटा टू टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला सबको याद रहता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये फॉर्मूला सबको याद रहता है कुछ भी कह लो आप सबको ये फॉर्म माइनस है। अच्छा अच्छा अगर यहाँ माइनस है तो प्लस किस में होता है? हाँ इससे हमें याद रह जाता है कि टेन टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में भी होता है क्या टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। जो चीज़ याद रखना चाहो वो याद रहेगी और जो नहीं रखना चाहो वो नहीं रहेगी याद। अच्छा कॉस में भी होता है कॉस इनवर्स जो देखो अब समझ लो जरा जो बटे में रहेगा वो तो यही रहेगा समझ गए और साइन में कॉस का भाग दोगे तो ये आ ही जाएगा ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो टेन का फॉर्मूला अगर याद है टू एक्स ले लो साइन में तो साइन ऊपर रहता है वन माइनस स्क्वायर ले लो कॉस में और बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे? तो आपको याद रखना है कि टू टेन इनवर्स एक्स का केवल ये फॉर्मूला नहीं होता टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स ये भी होता है और ये भी होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आपका हर सवाल आपको ऐसा लगेगा रे इतने सारे सवाल सो ही होते और है बुक में और आते भी हैं आएंगे भी आते रहेंगे। तो हम एक एग्जांपल के लिए एक सवाल ले रहे हैं आपको देखना है कि आप ध्यान कितना देते हैं। देखिए बच्चों अपने पास एक सवाल है साइन इनवर्स टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर बराबर टू टेन इनवर्स एक्स क्या यही सवाल है? अब प्रयास भैया इस सवाल के लिए आपको ये बताना होगा कि ये काय का फॉर्मूला है ये है टू टेन इनवर्स ए सही है ये बताना पड़ेगा ये काय का फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स बी ये काय का फॉर्मूला ये तो फॉर्मूला सही है। पूरे समीकरण में दो का फिर से बोलेंगे पूरे समीकरण में दो का लिखना पड़ता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स। समझ में आया क्या? अब क्या करना है इन दोनों का फॉर्मूला लगाओ टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन बराबर टेन इनवर्स ए दोनों पक्षों का तो यहाँ क्या बचा एक्स टेन और टेन इनवर्स अलग हो गए यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन लीजिए बच्चों काय का मान आ गया एक्स का है कोई दिक्कत पक्का बताइए। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करेंगे क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस। बच्चों ये काय का फॉर्मूला है फिर से बोलिए काय का फॉर्मूला ये काय का फॉर्मूला है और ये काय का फॉर्मूला
पूरा सवाल ज्यों का, बस आपको ये पता हो कि ये टू टेन वर्स का फॉर्म नहीं आया समझ, और तीनों मैंने लिखवा ही दी। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत है बच्चों? ये काय का फॉर्मूला है लिखा है, माइनस ये वाक्य लगा दिया, ये काय का फॉर्मूला है, ये टू टेन इनवर्स समझ में आया क्या? आ गया दो का भाग देने पर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, फॉर्मूला लगा दीजिए टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी लीजिए, समझ आया? सरल है कि नहीं? अच्छा अब अपन चौथा सवाल देखेंगे, कौन सा सवाल देखेंगे सीरियल चौथा, ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? प्रयास अगर ध्यान देंगे तो सर की हेल्प करनी है फिर। थ्री साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। ओके बच्चों ये काय का फॉर्मूला है, ये काय का फॉर्मूला है टू टेन बच्चों, ये काय का फॉर्मूला सही जवाब बच्चों, ये काय का फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? तीन दूनी छह टेन इनवर्स, चार दूनी आठ टेन इनवर्स, दो दूनी चार टेन इनवर्स बराबर थक गए, छह टेन इनवर्स एक्स प्लस चार टेन इनवर्स एक्स दस में से कितनी घटाने, घटा दूसरा उससे में बराबर पाई बाय थ्री, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स बराबर टेन पाई बाय सिक्स, क्या होता है नहीं पता, एक बटे समझ में आया क्या? पूरे सवाल आए हैं जो लगेंगे वर्तिका के हाँ कोई सवाल, मैं कुछ कर रहा हूँ और आप मुझे बताना अगर मैं गलत कर दूँ, तो ये फॉर्मूला काय का है, ये फॉर्मूला काय का है ना? हाँ ये नहीं है, क्या होता है वन माइनस, तो अब मजा आ गया सर, ये फॉर्मूला भी काय का है नहीं, ये भी नहीं है, क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन, समझ रहे हो भैया? और ये कहीं से ये नहीं लिखा। अब बेटा ऐसा है कि दो प्लस तीन लिखो तो भी पाँच, और तीन प्लस दो लिखो तो भी, तो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हो चाहे वन प्लस एक्स स्क्वायर बात एक ही, इतनी बात समझ में आई? लेकिन तीन माइनस दो एक होता है और दो माइनस तीन माइनस, तो ऐसा नहीं कि वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख दिया वन, ये बात एक ही। तो अगर आपको ऐसा लिखना है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्लियर माइनस, समझ रहे हो बेटा? इसको पलटने में कोई दिक्कत नहीं, इसको पलटोगे तो आगे क्या आ जाएगा माइनस। अब बच्चों मुझे बताइए, वैसे तो मैंने पढ़ाया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स माने होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन, क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई नहीं आई? ये काय का फॉर्मूला है वर्तिका, अब ये फॉर्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स, मज़ा आया? वापस आते हैं, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे वर्तिका, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख लेंगे वन माइनस, इससे आगे क्या आ जाएगा माइनस, फिर बताएंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स माने क्या होता है पाई माइनस माइनस टेन इनवर्स एक्स, पढ़ रहे हैं बच्चे दम लगा के, तो माइनस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस, और अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया टू टेन इनवर्स एक्स का, और बराबर में जो लिखा था टू पाई बाई थ्री वो अभी भी जो का। तो सभी को समझ में आया वर्तिका, टू टेन इनवर्स एक्स टू इनवर्स टेन इनवर्स एक्स फोर टेन इनवर्स एक्स
पाई माइनस फोर टेन इनवर्स एक्स बराबर टू पाई बाई थ्री, पाई माइनस टू पाई बाई थ्री बराबर फोर टेन इनवर्स एक्स, तीन पाई में से दो पाई गए, पाई बाई थ्री बराबर फोर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई ट्वेल्व, एक्स बराबर, भूलना तो पड़ेगा यार बॉस, ऐसे नहीं चलता है, भूलना पड़ेगा बॉस, एक्स बराबर टेन पाई बाई ट्वेल्व। अब ऐसा है बच्चों कि आपको टेन पाई बाई ट्वेल्व का मान नहीं पता है, आपको तो ये नहीं पता वो पाई बाई ट्वेल्व माने कितना, मैं बता देता हूँ, घबराए ना, यहाँ देखें ज़रा, ध्यान दें, पाई बाई ट्वेल्व 180 बटे 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब 15 डिग्री, क्या? अब बच्चे बोल रहे सर 15 डिग्री लिखने से क्या होता है, भले आपने कभी पढ़ाया होगा पर हमें 15 डिग्री का मान याद, तो याद करना भी नहीं है, 15 डिग्री को हम लिखेंगे टेन 60 माइनस 45, सर 45 माइनस 30 भी तो लिख सकते, एक सेकंड में जवाब मिल जाएगा, टेन 60 माइनस 10 45, 1 प्लस 10 60 10 45। अब रोहित अगर तुम्हारी आपकी बातें को सुन के हम 30 लिख देते, 30 आता है, एक बटे का ही नहीं थी, टेन 60 का मान बोलो जरा, टेन 60 का मान माइनस 1 प्लस रूट 3। अब हम तुम्हारी बातों में आ जाते, वो क्या लिख देते, 45 माइनस 30, तो 10 30 का मान रखते, एक बटे का ही नहीं थी, फिर लगभग लेने की लौट रखती, समझ रहे ना बेटा, अपन मैथ्स वाले थे कभी नहीं होती अपन। अब बच्चों अपन इस 1 प्लस करनी थी को ले लेंगे, करनी 3 प्लस 1 पढ़ने में करनी ही चलती सी, ठीक है, हर का परिमेय है, करनी 3 माइनस 1 करनी 3 माइनस 1, करनी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में आया, करनी 3 का 3 में करनी 3 माइनस, और सर ये आया 3, मेरी गलती, करनी 3 का 3 में 3 माइनस करनी 3 प्लस 1, समझ में आया क्या, तीनों ने बोलना पड़ेगा, चार करनी थी, करनी थी माइनस के दो करनी थी, करनी थी का स्क्वायर थी माइनस थी, समझ में आया, चलिए दो क्या आ गए, दो माइनस करनी थी, दो से दो एक्स बराबर दो माइनस करनी थी, समझ में आया, दो माइनस करनी थी का मान होता है टेन, पंद्रह अगर आप इसको सीधे सीधे करेंगे तो आपको ये बहुत टफ लगने लगेगा, आपको ये टफ ना लगे इसलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप 1/2 प्लस करनी 3 को थोड़ा सरल कीजिए, मतलब हर का परिमेयकरण कीजिए, 2 माइनस करनी 3, 2 माइनस करनी 3, 2 प्लस करनी 3, 2 माइनस करनी 3, 2 का स्क्वायर माइनस करनी 3, और ऊपर 1 का गुणा होगा तो ज्यों का त्यों, 2 दूनी करनी 3 का स्क्वायर 3, बोलना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा, 2 माइनस करनी 3, 2 माइनस करनी 3 बटे 1 आ गया 2 माइनस, तो बात यहाँ पे ये है कि 1 बटे 2 प्लस करनी 3 को अगर सरल किया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक बात समझ गए। अगली बात इसका मान निकालेंगे, 3 tan इनवर्स 1 बटे 2 प्लस करनी 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स 2 माइनस करनी 3, अब सबको पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाया है, 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, सही है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ पर आप घबराएंगे तो केवल और केवल परेशानी में जाएंगे। इस फॉर्मूले में अगर हम चाहें, पहले आप पूरी बात को समझें तभी आपको मज़ा आएगा, इस सवाल को सरल करना हमारी ड्यूटी है, अगर हम चाहें इसी फॉर्मूले में x क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, समझ आया रोहित, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स 2 माइनस करनी 3 3 माइनस, यहाँ किसका मान चाहिए अपन को, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान अपन पहले से निकाल के रखेंगे, मतलब क्या निकाल के रखेंगे हम,
दो माइनस करनी तीन का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। समझ में आया क्या? दो दूनी करनी तीन का स्क्वायर तीन, सात माइनस चार करनी थी। समझ आया बच्चों? जो डरेगा उस पर कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीन माइनस सात माइनस चार करनी थी, यहाँ भी थ्री इंटू सात माइनस करनी थी चार करनी। समझ आया बच्चों को? बहुत टफ लग गया ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा। अब टेन इनवर्स दो माइनस करनी तीन, तीन माइनस सात प्लस चार करनी थी, ती साते इक्कीस, ती चौके बारह करनी थी। समझ आया? अब बच्चों डरेंगे तो कभी नहीं बनेगा। एक में से इक्कीस गए, माइनस बीस प्लस बारह करनी तीन, दो माइनस करनी तीन, भूलना तो पड़ेगा ही, माइनस चार प्लस चार करनी तीन। अब इनका हम क्या करेंगे? गुणा, और फिर करेंगे हर का परिमेय का। ठीक है, चलिए करिए इसके आगे। अच्छा देखो तो बच्चों हमने इसका मान निकाल लिया, इसका मान है टेन इनवर्स वन, निकाल लिया। इसके बाद अब लिखना दिया गया समीकरण है और इसका मान क्या रख देना, टेन वर्स। अभी निकाला अपन ने, अब इस टेन इनवर्स वन बाई थ्री को यहाँ ले आओ, टेन इनवर्स वन बाई थ्री, और यहाँ पे टेन इनवर्स वन बाई थ्री। समझ में आया? सीजल को फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स वन माइनस वन बाई थ्री। कोई दिक्कत है क्या बताइए? इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ, है कोई दिक्कत क्या? दोनों पक्षों का टेन लेने पर वन अपॉन एक्स टू बाई थ्री। बोलिए, वन प्लस वन बाई थ्री, तीन एकम तीन, कितना आ गया? फोर बाई थ्री, तीन से तीन दो बटे चार बराबर एक बटे, उल्टा करो, एक्स बटे एक बराबर चार बटे एक्स बराबर। समझ आया? काफ़ी बच्चे मन ही मन ही योजना बना रहे होंगे कि ये सवाल अगर आया तो हम छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा भी क्रिटिकल, वैसे है तो कुछ नहीं खास पर टाइम लगा है। तो अगर आपको ये सवाल छोड़ना ही है, मन बना ही लियो, तो इससे अच्छा रोहे तुम ये याद कर लो कि ये जो है, ये दिख रहा है, ये टेन पंद्रह डिग्री का मान है, होता है रियल में। अभी मैंने पिछले सवाल में निकाला था दो माइनस करनी थी, तो आप ये याद कर लो कि काय का मान है टेन पंद्रह डिग्री। इससे अच्छा तो यही, चलो इसको इस तरफ ले आओ से, टेन इनवर्स वन बाई थ्री, टेन इनवर्स वन बाई एक्स, टेन टेन इनवर्स अलग हो गए, कितना बचा? पंद्रह डिग्री, थ्री इंटू पंद्रह डिग्री। बोलिए थ्री इंटू पंद्रह डिग्री कितना हो गया? बोलना पड़ेगा, पैंतालीस डिग्री। कितना हो गया? अब 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं सेजल? टेन इनवर्स वन। समझ में आया क्या? और इसके बाद ज्यों का त्यों सवाल, अपन इस पे नंबर करने के पूरे चांस लेकिन कर नहीं रहे। इससे अच्छा 40 का तीन नंबर ले लूँ ना यार, क्या दिक्कत? समझ रहे हैं ना? तो जो लोग सोच रहे थे कि हम नहीं करेंगे, वो याद कर लो कि ये काय का मान है टेन पंद्रह। वैसे याद रहना मुश्किल है पर फिर